नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर विकास कार्यों का इतिहास रचने पर कांग्रेस के साथ खड़ी है जनता। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। पदमपुर राष्ट्रीय कांग्रेस के चिंतन के बाद संगठन को बूथ व ब्लॉक स्तर पर मजबूती देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यहां पहुंचे पीआरओ पुष्पराज सिंह मध्य प्रदेश ने कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चुनावों को लेकर खुले रूप में चर्चा कर 2023 को विधानसभा वे 2024 को लोकसभा चुनावों को लेकर विचार विमर्श कर नई ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर विकास कार्यों का इतिहास रचने पर जनता फिर से उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई के कारण देश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है और 2024 के लोकसभा चुनावों में परिवर्तन करने का जनता मानस बना चुकी है। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने कहा कि पहले पेट्रोल डीजल के भाव में भारी वृद्धि कर आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया और अब नाम मात्र पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दिए तथा उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जिला प्रभारी जियाऊ रहमान आरिफ बीकानेर ने कहा कि करणपुर विधानसभा में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के नेतृत्व में सदस्यता अभियान सबसे आगे रहा है। राकेश शर्मा, सुदेश मोर, सुनीता पूनिया सहित बड़ी संख्या में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक व्यक्ति ब्लॉक कांग्रेस से प्रदेश के लिए प्रतिनिधि बनता जाएगा, वो भी आपकी नजर में होगा कि आप किसको भेजना है, कौन सम्मानजनक है, कितने मेहनत करी है, बिलाव का किसका अपना एक होल्ड है, ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह ये चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी। जिनको प्रतिनिधि बनना है, जिनको बूथ अध्यक्ष बनना है, जिनको प्रदेश में डेलीगेट बनना है या जिला कार्यकारिणी की ओर जाना है, तो हमारे जो बीआरओ आएंगे वो आपको फॉर्म देंगे। सबके फॉर्म अलग अलग है, बूथ अध्यक्ष का अलग है, डेलीगेट का अलग है, जिला परिषद की ओर जाने का अलग है, आप जो जिला कांग्रेस की ओर जाएंगे सबके अलग अलग फॉर्म है, वो फॉर्म आप लीजिएगा उनसे। और वही व्यक्ति लड़ेगा चुनाव जो 100 रुपए की रसीद कटाएगा। तो ये जो दिशा निर्देश हमें हमारे माननीय पीआरओ महोदय संजय निरुपम जी ने दिए थे, वो दिशा निर्देश मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसमें केवल एक मूल बात ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जिस बूथ का है, जिस बूथ पर उसकी रसीद कटी है, जिस बूथ का वो वोटर है, वो उसी बूथ से जाएगा। पड़ोस वाले गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, दूसरे बूथ से उसको चुनकर हम प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में नहीं भेजेंगे। ये हमारे माननीय पीआरओ महोदय का स्पष्ट दिशा निर्देश हमें है। तो ये सारी प्रक्रिया है जो आप अभी पीआरओ आपके बीच में आएंगे, वो आपको समझाएंगे, आपके साथ जाएंगे। हो सकता है उनकी ड्यूटी भी शायद जियाउर रहमान जी उनके साथ आए, या ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी और को उनके साथ भेजे। आज इस पदमपुर ब्लॉक में आप सब लोग हमारे छोटे से बुलाने के बाद आए, कम समय में आपको कम समय मिला हमको सूचना देने में, आप यहाँ आए। माननीय पूर्व मंत्री जी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, सभी हमारे पदाधिकारीगण जो कांग्रेस के नहर समिति हो, परिषद जिला परिषद हो, ब्लॉक परिषद हो, मंडी समितियां हो, इनसे चुनकर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन समस्त प्रकोष्ठों का, किसान प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, यूथ कांग्रेस जुट चुके हैं। विधायक कर्णपुर श्री गुरमीत सिंह जी कुन्नर, संगठन को लेकर सर क्या प्रतिक्रिया आपकी? संगठन के चुनाव चल रहे हैं, पिछले दिनों सदस्यता अभियान चला, अध्यक्ष और प्रधान जी की प्रक्रिया चल रही है, जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के लिए आज हमारे पुष्पराज सिंह जी मध्य प्रदेश से हैं, हमारे बीच में आए हैं, उनकी बात उन्होंने रखी है। कार्यकर्ता सारे आए, उनकी बात सुने और आने वाले दिनों में ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, और
जिला अध्यक्षों के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लंबी प्रक्रिया है, प्रदेश अध्यक्ष में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी का काम है, चल रहा है। एक जो अपने ये अभी डीजल और पेट्रोल में कमी हुई है, तो राजस्थान सरकार इस पे क्या कर रही है? राजस्थान सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पहले वैट कम किया, उसके पीछे इन्होंने किया। अब रेल वो बात है ना, आंखें फोड़ के चश्मा लगा दिया, आंखें तो फूटी हुई है, चश्मा क्या काम करेगा? नहीं, पूरे के मारे सारे बुरा हाल है। नहीं, पूरे गंगानगर जिले में ये 18 रुपए से कम जो डीजल पेट्रोल पर रेट है ज्यादा। ये केंद्र सरकार की मनमानी है कि इनका डिपो यहाँ नहीं खुलने देते। पहले हनुमानगढ़ था, रेट बराबर था, यहाँ से उन्होंने कंपनियों के दबाव में उठा लिया। और गंगानगर में हमारे हनुमानगढ़ में सबसे महंगा डीजल हमें मिल रहा है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी इस बात की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। उनका ध्यान तो बड़ी बड़ी कंपनियों को कैसे फायदा पहुँचे उस तरफ है, आम आदमी की तरफ, गरीब आदमी की तरफ, उपभोक्ता की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। आपका पदमपुर में स्वागत है सर। आज जो आपने मीटिंग की है संगठन को लेकर, संगठन को किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं 2023 के चुनावों को लेकर? ये देखिए, पिछले दो वर्षों से यहाँ संगठन नहीं है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया होती है संगठन चुनाव की। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो उसकी पहली सीढ़ी हमारे बूथ स्तर का चुनाव है। तो हम बूथ स्तर से ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर, फिर प्रदेश स्तर पर जाएंगे। और इसके प्रथम चरण में हमारे बीआरओ अभी आई है जो बूथ पर। दूसरा नंबर, जैसे आपने अभी बताया कि जो संगठन लेकर बूथ लेवल पर, तो बूथ लेवल पर अपने ये तो भाजपा की ये विचारधारा थी बूथ लेवल पर, आपने क्यों इसको अपनाई? नहीं, ये कोई की विचारधारा हम क्यों अपनाएंगे? हमारे हर बूथ पर कार्यकर्ता, अगर हमारे बूथ पर कार्यकर्ता नहीं होता तो 45-50 साल में यूं ही सरकार कैसे चला सकते? हमारे हर बूथ पर कार्यकर्ता हैं, जवाबदार कार्यकर्ता हैं। और संगठन की एक प्रक्रिया होती है, हमारे इसमें हमेशा हुई है, हम मनोनीत नहीं होते किसी और अन्य दल की तरह। और ये जो आप महंगाई के बारे में, जो अपनी पेट्रोल डीजल कम हुआ उसके बारे में क्या करना? जी, वो मेरा विषय नहीं है, मैं अभी केवल संगठन चुनाव के लिए आया। ओके, थैंक यू सर। जो संगठन के चुनाव कराने का जिम्मा है वो बीआरओ, एबीआरओ, डीआरओ, बीआरओ का होता है। तो विशेष रूप से संगठन के बारे में चुनाव से संबंधित जो भी चीज है वो हमें डीआरओ साहब विस्तार से बताएंगे। लेकिन करणपुर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि गंगानगर का डीआरओ साहब सबसे मजबूत इलाका है। मैं समझता हूँ सभी लोग करने से करता मिला करते हैं, और यहाँ हमें कभी किसी तरह की कोई दिक्कत हुई नहीं और आगे भी। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि संगठन चुनाव को लेकर जो बात बतानी है वो हमें डी आर ओ साहब से सुनना है। तो मैं चाहूँगा कि डी आर ओ साहब इस संबंध में विस्तार से आप सबको सारी बात बताएंगे। धन्यवाद। दूसरी बड़ी खबर भी पदमपुर से आ रही है। इस वक्त की पदमपुर की बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पदमपुर से बड़ी खबर, गांव सांसर में दो युवकों की डिग्गी में डूबने से हुई मौत, पसरा मातम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों के हवाले किया। रविवार को 5-6 युवक खेत में बने डिग्गी में नहाने के लिए गए तो दीपक पुत्र बाबूलाल उम्र 17 साल, जयदेव पुत्र हीरालाल जब डिग्गी से बाहर नहीं निकले तो वहां पर हाहाकार मच गया। ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को डिग्गी से बाहर निकाल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिए।